हेलो, एक मिनट फोन कर रहा हूँ। 9123XYZ। ओके, हेलो। हाँ, क्या क्या बोला? क्या? अच्छा, ओ शुभम, तुम्हार सामने लड़का घर है, बता दोनों कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे? जाने दे, तुझे क्या दिक्कत है? क्या बात कर रहा है? और क्या? तो बता फिर, तेरा भाई भी कम नहीं है तेरे से? मेरे ज्यादा मूवी अली देखी होगी तूने। चल फिर मुकाबला हो रहा है। चल हो जाए मुकाबला। चल शुरू कर फिर। चल देख, सीन ये है। हाँ, कि 12 घोड़े, 12 घोड़े और 11.5 डाकू। 11.5 डाकू। अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है। 12 घोड़े 11.5 डाकू। 11.5 डाकू घोड़ों पे बैठते हैं, बैठते हैं घोड़े चलते टका टक टका टक। देख, यहाँ मैं किसी से भी नहीं बता, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या ये टका टक जो है, ये मेरी छेड़ है। टका टक तेरी छेड़? ये मेरी छेड़ है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, चल स्टार्ट कर। हाँ, 11.5 घोड़े 11.5 सॉरी 11.5 डाकू। चल 11.5 घोड़े 12 घोड़े। इस बार एक सीन में ट्विस्ट है। हाँ चल बता। हम इन्हें रेत में दौड़ाएंगे। चल ठीक है, रेत में दौड़ाएंगे। हम घोड़ों को रेत में दौड़ाएंगे तो टका टक की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो 11.5 डाकू 11.5 12 घोड़े। हाँ, घोड़े रेत में दौड़े एकदम पहाड़ी चढ़ के ठगा 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 ठगा। तेरे में पहली बता चुका हूँ, ठगा ठग की आवाज नहीं आती, समझा? ठीक ठीक, अब नहीं आएगी। क्या देखिए, घोड़े दिक्कत है ना? और घोड़े घोड़े का चल देख, 11.5 डाकू 11.5 डाकू 6 साइकिल चल। उनके पास 12 बंदूक है, 12 बंदूक है। वो निकलने से पहले खुशी में फायर करते ठगा ठग ठगा ठग ठगा ठग। तेरे से मैं पहली बता दूंगा, तेरी स्टोरी में बिल्कुल क्रिस्प नहीं है और ये ठगटक की आवाज मुझे कोई मुराद नहीं आ रही है। चल ठीक है ठीक है, बंदूक की दिक्कत है ना? बंदूक के बेटा ठगटक बेटा चल 11.5 डाकू हाँ 6 साइकिल है, 6 साइकिल। वो साइकिल पे जैसे ही बैठते हैं, पेडल पे जैसे ही पाँव रखते हैं, साइकिल के चलने के साथ मेडल की आवाज आती है ठगटक ठगटक ठगटक। तू आज मेरे हाथ से मर जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ सीन चेंज चल, सीन चेंज सीन चेंज। एक बहुत बड़ा घर है, घर के बाहर एक दरवाजा है, दरवाजा है, दरवाजे के ठीक ऊपर एक आदमी बैठा। चल आदमी बैठा है, उसे चोर समझ ले। चल समझ ले। उसने इतने इतने बड़े जूते पहन रखे हैं। चल ठीक है, जूते ठीक है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक पांव अंदर रखता है, ठगा। एक ही बार हुआ है, अगर अगला हुआ तो तू अपना हाल समझ लियो। ठीक है, तू ही जिम्मेदार है, अब नहीं होगा पक्का। चल चल चल। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, पांव रखता है, सामने बेड पे एक सुंदर सी लेडी लेटी। ओफ, सुंदर सी लड़की, सुबह करके आनी थी। चली जाती, देख चल। अंदर घुसता है, हाँ। बेड पे बहुत खूबसूरत सी लेटी लेटी हुई। चल वो बेड क्रॉस कर, चल ठीक है क्रॉस करते हैं। सीधा अलमारी के पास जाता है, हाँ ठीक। अलमारी चोरी की निगाहों से देखता है और उसे तेजी से खोलता है, हाँ ठीक। अलमारी के ऊपर रखी बुक्स गिरती है। तू आज मेरे हाथ से पक्का पिटेगा, तेरी स्टोरी बिल्कुल। इतना मारेगा यार, ऐसे तूने अपना पहला जीजाजी मार दिया था। अच्छा, अब तू तो मेरी ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी स्टोरी बहुत अच्छी है, मेरे से लाख गुना अच्छी है। चल सुना सुना चल सुना। चल ये स्टोरी है, एकदम लव स्टोरी है, एक लड़का और लड़की के बीच। लड़का और लड़की के बीच, लड़का और लड़की बेहद एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। लड़का जो कि गूंगा होता है, हाँ, और लड़की जो कि भैरी होती है। लड़का इतना अच्छा गाना गाता है, इतना अच्छा गाना गाता है कि लड़की सुनती दौड़ी चली आती है लड़के के पास। अच्छा, लड़के का गाना सुन के लड़की अपने आंसू रोक नहीं पाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अचानक से लड़की का चाचा जो कि दोनों आंखों से अंधा है, लड़की का चाचा जो कि दोनों आंखों से अंधा है, लड़का और लड़की को प्यार करता हुआ देख लेता है। यार कैसी स्टोरी है तेरी, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, घूमके स्टोरी किसकी है? तेरी है, तो आगे सुन। सुना, हाँ, लड़की का चाचा, हाँ लड़की दोनों को प्यार करता हुआ देख लेता है, देख लेता है। वो गुस्से में पागल होता है, पागल होता है, और भागता हुआ लड़की के बाप के पास जाता है, जाता है। लड़की का बाप, लड़की का बाप जो कि दोनों टांगों से मजबूर है, लड़की का बाप जो कि दोनों टांगों से मजबूर है, एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली जाती हैं। वो तखत पे बैठा रहता है, जैसी लड़की का चाचा लड़की की करतूतें बताता है, लड़की का बाप गुस्से से खड़ा होता है, खड़ा होता है। वो भागता हुआ घर के अंदर जाता है, हाँ,
वो भागते हुए घर के आगे जाता है, वो जैसे कि अपनी साइकिल उठाता है, स्कूटर स्टार्ट करता है और कार में बैठ के चला जाता है। चल आगे सुन, गांव में पहुंच गई, लड़की प्यार कर रहे होते हैं, लड़के का बाप उन दोनों को देखता है, देखता है, गुस्से में एकदम आग बबूला हो जाता है, बबूला हो जाता है, वो अपनी जेब से खंजर निकालता है, खंजर निकालता है और लड़के की तरफ फायर करता है। अच्छा स्टोरी किसकी है? तेरी। तो चल आगे सुनना फिर क्या होता है। सुना हाँ, वो जैसी फायर करता है, उस खंजर में से दोनों तीर लड़के के सीने के आर पार हो जाते हैं। क्या है क्या है स्टोरी? स्टोरी चल आगे सुन। चल सुना उसका क्या होता है। क्या होता है? जैसी फायर करते हैं, अचानक से पुलिस स्पॉट पे आ जाती है, जैसी पुलिस की जीप रुकती है, पुलिस की जीप रुकती है, सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस उतरते हैं। पुलिस वाले एम्बुलेंस, अरे मिशन हॉस्पिटल से बुलाई क्या पुलिस? आगे सुन क्या होता है। सुना पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले लड़की के बाप को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, उसको ट्रक में बैठाते हैं और पानी के जहाज से ले जाते हैं थाने की ओर। थाने पहुंचते ही आगे सुन क्या हुआ, थाने पहुंचते ही लड़की के बाप को उतारते हैं और सीधा हॉस्पिटल में बंद कर देते हैं। क्या यार पानी के जहाज दौड़वा रहा तू यार थाने में? हाँ अरे क्या कर रहा है? अरे कैसी लगी मेरी स्टोरी? बिल्कुल बेकार है तेरी स्टोरी, बिल्कुल बेकार है, इसमें गाना नहीं है। तो गाना तू गाएगा? गाना गाना मैं गाऊंगा। चल ठीक है, तू गाना गा। क्या मेरे सब गाएंगे? चल ठीक है, सब गाना गाएंगे, इधर वाले डिप्लोमा वाले गाएंगे, बीटेक वाले गाएंगे। बताइए सब लोग, एक लड़का एक लड़की के पीछे जा रहा होता लड़का गाना गाता है, चल तू हाना करेगी जब तक, तू हाना करेगी जब तक, मैं पीछे पीछे आऊंगा तब तक, मैं पीछे पीछे आऊंगा तब तक।